बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये मैंने दो फिश फिलेट के पूरे पीसेस लिए थे, इनको मैंने ऐसे पीसेस काट दिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने भी पीसेस रखना चाहें तो उतने पीसेस काट लें। मैंने ये दो फिलेट के पीसेस काट लिए हैं। फिर मैं इसके अंदर एक अंडा डालूंगी, और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, आप अपने हस्बैंड साइका ले लें। ये 1/4 टीस्पून मैंने क्रश चिलीज ली है, 2 टेबल स्पून मैंने ये मैदा लिया है प्लेन फ्लावर, और 1 टेबल स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो मुझे वाइट वाले क्रम्स मिले नहीं थे, तो मैंने ये गोल्डन ब्रेड क्रम्स हैं ये मैंने एक प्लेट लिए हैं। ये मस्टर्ड सॉस लूंगी मैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैं सोया सॉस लूंगी, 1 टीस्पून मैं विनेगर लूंगी। तो चलें मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये बॉल के अंदर फिश ले ली है, तो अब मैं सबसे पहले ये सारे ड्राई मसाले इसमें डाल दूंगी, ये गार्लिक पाउडर और ये सारा जो कुछ मैंने आपको दिखाया था फ्लावर कॉर्न फ्लावर वगैरह, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। फिर हम ये एग भी लेके इसके अंदर डाल देंगे, और 1 टीस्पून ये मस्टर्ड पेस्ट, वन टी स्पून सोया सॉस, एंड विनीगर सिर्फ मैं हाफ टी स्पून ले रही हूँ। अब हम बस ये सारा कुछ मिक्स करके और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। तो बस इजी सी रेसिपी है। फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। जब ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगी तो बस फिर फ्राई करना है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और बस आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। ये रेसिपी मेरी सबको बहुत ही पसंद है, और स्पेशली सर्दियों में जब भी कोई आता है मेरे घर तो मैं ये फिश ज़रूर बनाती हूँ, और सब बहुत शौक से पसंद करते हैं इसको। बस ये मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है, और मैं आपको आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करना दिखाती हूँ। ये 20 मिनट्स हो गए, बस ये हमारी फिश मैरिनेट हो गई है। अब मैं ये हम एक एक फिश का पीस उठाते जाएंगे और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स में करते जाएंगे इस तरह। और ये देखें, बस ये उठाते जाए इसको। ये देखें, ये कोट होता गया। बस इसी तरह हम सारे अपने फिश के पीसेस कर लेंगे और इसको फिर फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, तो बस मैं इसको ऑयल में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बस, और अब हम ये ऑयल गर्म हो गया है, बस अब हम इसमें डालते हैं अपनी फिश। एक एक पीस करके हम ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए, बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी इजी सी फ्राई फिश हो जाएगी। तो मैं उसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बस दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें।
ये हमारी फिश हो गई है यहाँ से भी एक तरफ से ब्राउन, बस हम ये दूसरी तरफ से कर देंगे इसको। ये देखें, ये मैंने सारी निकाल ली है फिश, बाकी की भी मैं फ्राई कर लूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारी फिश को फ्राई कर लिया है और इसको प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ मैंने ये गार्लिक चिली मेयो बनाई है, बस एक लहसुन लेके इसके अंदर मेयोनीज डाल दें, एक लहसुन को क्रश करें और उसके अंदर मेयोनीज और चिली सॉस डाल दें बस, और बस फिर इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरी वीडियो को लाइक करेगा। फिर अगली वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।